हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। आज हम अगेन एक और जापानीज एनिमी मूवी लेके आ चुके हैं जिसका नाम है द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाई लाइट्स। ये मूवी 2011 की है जिसे डायरेक्ट किया था तकीरो ओमिराओ ने। गाइस, ये स्टोरी की स्पेशलिटी अगर मैं बताऊं तो इसमें हमें मूव ऑन करना सिखाया गया है एंड चीजों को लेट गो करना सिखाया गया है। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान फॉरेस्ट दिखाई देता है जहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमारी मुलाकात होती है एक यंग गर्ल से जिसका नाम है होतारू तेकेगावा, जो अभी हाई स्कूल में पढ़ रही थी। होतारू हर समर हॉलीडेज में अपने अंकल के यहाँ जाती थी, इसलिए इस बार भी वो अपने मॉम को बाय बोलकर बस स्टॉप की तरफ जाती है एंड यहाँ से वो अपनी स्टोरी बताती है। ये कहानी तब की है जब होतारू 6 साल की थी, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल से मिलने आई हुई थी, बट वो रास्ता भूल जाती है और माउंटेन ऑफ गॉड में भटक जाती है। घर वापस ना जाने पर होतारू रोती रहती है कि तभी वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक मास्क पहने लड़के से। होतारू उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और गले लगने जाती है, बट वो लड़का उसे रोकता है एंड होतारू को बताता है कि वो एक घोस्ट है और वो इंसानी टच से गायब हो जाएगा। होतारू उसकी बात मानती है एंड वो लड़का उसे जंगल से बाहर ले आता है। घर जाने से पहले होतारू अपना नाम बताती है, साथ ही प्रॉमिस करती है कि वो कल वापस आएगी थैंक यू गिफ्ट लेकर। एंड होतारू के पूछने पर वो लड़का अपना नाम गेन बताता है और वहाँ से गायब हो जाता है। देन हम देखते हैं कि होतारू को खोजते हुए उसके अंकल वहाँ आते हैं, जो उसे बताते हैं कि लोगों का कहना है कि उस जंगल में हर साल भूतों का एक फेस्टिवल होता है। हालांकि होतारू के अंकल अपने दोस्तों के साथ गए थे रात में, पर उन्हें कुछ अलग सा लगा नहीं, इसलिए वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे। खैर, अगली सुबह होतारू जंगल में जाती है गिन से मिलने के लिए। गिन होतारू को फॉरेस्ट घुमाता है प्लस होतारू को और भी गोश से मिलवाता है। इस तरह पूरे समर डेज में होतारू गिन के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है और हॉलीडेज एंजॉय करती रहती है। बहुत जल्द वो समय आ जाता है जब होतारू को वापस अपने घर जाना रहता है, क्योंकि उसके समर हॉलीडेज अब खत्म होने वाले थे। जाने से पहले वो गिन से प्रॉमिस करती है कि वो अगले समर वापस आएगी। धीरे धीरे समय बीतता है और होतारू मिडिल स्कूल में आ गई थी। गर्मी की छुट्टियां चालू होने पर वो अपने अंकल के यहाँ जाती है और फिर से गिन से मिलती है, बट इस बार होतारू काफी क्यूरियस रहती है क्योंकि गिन अभी भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने पहली बार देखा था। फिर भी होतारू इन सब बातों को छोड़कर गिन के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है। इन सब के बीच एक समय ऐसा आता है जब गिन जमीन पे सो रहा था और होतारू चुपके से उसका मास्क उठाती है बिना उसका स्किन छुए। शॉकिंगली हम देखते हैं कि वो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है। तभी गिन होतारू को बोलता है कि मास्क पहनने से ही वो लोगों को स्पिरिट दिखेगा। उसके बाद होतारू वापस अपने घर आती है और रूम में लेटकर यही सोचती है कि वो बहुत जल्द गिन के एज में आ जाएगी और गिन तो मरेगा नहीं, लेकिन ये तो बूढ़ी होके मर जाएगी। वो ये बात सोच ही रही थी कि तभी उसके अंकल उसे वाटरमेलन खाने के लिए बोलते हैं। वाटरमेलन खाते वक्त उसके अंकल से उसे पता चलता है कि माउंटेन में विंटर के टाइम काफी ठंड रहती है, इसलिए वापस जाने से पहले वो गिन को एक स्कार्फ गिफ्ट करती है ताकि विंटर के टाइम वो पहन सके। इस तरह साल बीतता है और अब होतारू हाई स्कूल में पहुंच गई थी प्लस उसी एज में आ गई थी जिस एज में गिन था। विंटर सीजन में होतारू गिन के बारे में ही सोचती रहती है, इट मीन्स समवेयर वो गिन को पसंद करने लगी थी। एनीवे, गर्मियों का सीजन वापस आ जाता है एंड हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ होतारू गिन से मिलने जाती है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है जहाँ हमें पता चलता है कि गिन के पेरेंट्स ने उसे जंगल में छोड़ दिया था, तब माउंटेन गॉड ने उसे जिंदा रखने के लिए ऐसा बना दिया है। यही वजह है कि गिन इंसान होकर भी एक घोस्ट है और बचपन से ही वो फॉरेस्ट स्पिरिट्स के साथ ही बड़ा हुआ है। बातचीत के दौरान होतारू फॉरेस्ट में हो रही फेस्टिवल के बारे में पूछती है। अब क्योंकि गिन भी होतारू को पसंद करता था, इसलिए वो उस रात में फेस्टिवल ज्वाइन करने के लिए बुलाता है एंड हम देखते हैं कि होतारू गिन के साथ फेस्टिवल में जाती है। जंगल के पूरे स्पिरिट्स फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये भूतों का फेस्टिवल है। इन सब के बीच में होतारू कहती है कि ये एक डेट की तरह फील हो रहा है। इस पे गिन बोलता है कि हाँ, ये डेट ही है। ये सुनकर होतारू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि गिन भी उसे पसंद करता है। फेस्टिवल से वापस आते वक्त गिन होतारू को अपना मास्क पहनाता है एंड उसे किस करता है, प्लस उसे बोलता है कि वो एक बार इंसानों को छूना चाहता है और होतारू को गले लगाना चाहता है। ये सुनकर होतारू थोड़ा शॉक होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये अब गिन के साथ आखिरी मुलाकात है। तभी अचानक कुछ बच्चे दौड़ते हुए पीछे से आते हैं कि एक बच्चा गिरने वाला रहता है, बट लकीली गिन उसे पकड़ लेता है। बच्चों के जाने के बाद गिन देखता है कि उसके हाथ डिसअपियर होने लगते हैं, इट मीन्स वो इंसानी बच्चा था। होतारू ये देखकर रोने लगती है और गिन के कहने पर उसे आखिरी बार गले लगाती है एंड दोनों अपना लव कन्फेस करते हैं। देखते ही देखते गिन गायब हो जाता है और होतारू अपने दिल में पेन रख कर जाती है और गिन के साथ बिताए अच्छे यादों को अपने साथ रख कर मूव ऑन करने का डिसीजन लेती है एंड इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप
इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।